और कई बार हमारी मनसा लीकेज होती है। अभी भी आपने क्लास सुनी मन जीत के ऊपर, तो लीकेज कैसे होता है मन की शक्ति का, जब हम बहुत व्यर्थ संकल्पों में चले जाते हैं, जब हम नेगेटिव थॉट्स में बहुत चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में हमारा मन बहुत उलझा रहता है, हमें ही उसका भान नहीं होता कि हम कैसे छोटी छोटी बातों में उलझ गए। वो तो जब योग में बैठते हैं तब स्मृति में आता है, अगर योग में नहीं है, आत्मिक स्मृति में नहीं है, विस्मृति में है, तो फिर देह अभिमान हमें पूरी तरह से व्यर्थ संकल्पों विकल्पों में ले जाता है और वो हमारी शक्ति को कई गुना नष्ट करता रहता है। और जब मनसा कमजोर होती है तो हम अपने ही विघ्नों को नहीं जीत पाते, तो दूसरों की सेवा क्या करेंगे? खुद ही कमजोर है तो दूसरों को वाइब्रेशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। फिर कई बार क्यों क्या के संकल्पों में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये विघ्न मेरे ऊपर ही क्यों, मेरा ही भाग्य ऐसा है क्या, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरा ही हिसाब किताब है क्या, माना क्या, क्यों, कैसे। और बाबा क्या कहता है, सब क्यों हो रहा है ये तो बाबा ने समझा दिया है ना, क्यों होता है ये सब कुछ। दो बातें हैं, कौन सी दो बातें हैं? एक तो हमारे हिसाब किताब है जिन्हें हमें चुप्तू करना है, और दूसरे हमारे पेपर हैं जिन्हें हमें पास करना है, तभी पता चलेगा कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, और पढ़ाई की क्लास तभी आगे बढ़ेगी, हम अनुभवी तभी बनेंगे जब हम उस पेपर को पास करेंगे। बिना पेपर दिए कोई स्टूडेंट क्लास आगे बढ़ता है? आपको कोई विजयी मान लेगा बिना युद्ध किए हुए? कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाके युद्ध ही ना करे और कहे कि मैं विजयी हो गया तो कोई मान लेगा? तो अगर हमें शिव बाबा ने मास्टर ज्ञान का सागर बनाया है, और फिर जब माया के पेपर आते हैं और उस ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा हम उन पर अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, तो फिर कैसे कहेंगे हम विजयी हैं? तो उसी समय हमें वो स्मृति आए और हम फुल स्टॉप लगा पाए। इसको बाबा कहता है कंसोलिंग पावर और रूलिंग पावर। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसे हम यूज कर लें। मानो मन बहुत विस्तार में जा रहा है, किसी बात में चला जाता है, कोई भी घटना होती है जीवन में, बहुत सोचते हैं, बीते हुए बातों को सोचते रहते हैं, कई बार ये हुआ ऐसा हो, विस्तार में जा रहा है ना मन। अब मुझे सार में लाने की जरूरत है उसको, तो विस्तार को सार में लाना, समेट लेना, खत्म कर देना उसको। तो पास्ट इज पास्ट, बाबा ने कहा कि जो बात आती है ना उसको भी अकल है कि अब मुझे 5000 साल के बाद आना है, दोबारा नहीं आने वाली हो, फिर जब अगला चक्र होगा तब 5000 साल बाद आएगी। लेकिन हम क्या करते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं। तो इन व्यर्थ की उलझनों से मन को निकालने की पावर हमें यूज करनी है, और वो तब होगा जब अटेंशन होगा हमारा। अगर हमारा अटेंशन नहीं है तो हमारा मन सहज ही इस तरह की कोई ना कोई समस्याओं से घिरा ही रहता है, और हम अपनी शक्ति को उसमें गंवाते रहते हैं।